इमोजी कौन नहीं जानता, हर एक कोई यूज करता अपने वीडियो में, लेकिन आज इमोजी का वर्ड इमोजी डे देन स्टार्टेड, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। तो यही आज हम आपको वीडियो में बताएंगे और किस इमोजी का क्या मतलब है और कैसे स्टार्ट हुआ और कौन कौन से ब्रांड इसको यूज़ करने लगे और आप कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं और हर इमोजी का मतलब होता है। जैसे बीच में इसमें क्वीन दिखा रहे हैं कि इमोजी क्वीन का है, फिर आप एयरफोन में सुन रहे हैं, फिर आप चुप रहने को बोल रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं और फ़ोन पे मोबाइल पे बात कर रहे हैं। तो इन इमोजी से आपको बिना बोले बिना लिखे ये पता लग जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं किसी से, तो इसलिए इमोजी स्टार्ट हुआ। लेकिन इमोजी किसने स्टार्ट किया, वर्ड इमोजी कैसे हुई थी इमोजी की शुरुआत, 1999 में जापानी मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी के एक जापानी प्रोग्रामर सीगेटा का कुरिता ने इमोजी बनाया था। उन्होंने एक मोबाइल इंटीग्रेटेड सर्विस आई मोड जारी करने के लिए 176 इमोजी बनाए। बाद में साल 2010 में यूनिकोड ने इमोजी के इस्तेमाल की मान्यता को मान्यता दे दी। अब यूनिकोड आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल कोड होता है जो हर लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है और ईजिली कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन को। और इसके बाद जब मान्यता प्राप्त हो गई तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और ट्विटर जैसे ब्रांड्स ने इमोजी को अपने में एडिशन बनाना शुरू किया और उन लोगों ने भी इसका यूज स्टार्ट कर दिया। द फर्स्ट वर्ड इमोजी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन July 17, 2014। और पहला इमोजी जो था वर्ल्ड इमोजी डे जो था वो 17 जुलाई को बना सेलिब्रेट किया गया 2014 में, और आज भी 17 तारीख है और इसी दिन इमोजी को का वर्ल्ड डे मनाया जाता है। द फर्स्ट ट्वीट अबाउट वर्ल्ड इमोजी डे वॉज ऑन July 11, लेकिन पहला ट्वीट जो था वो July 11 को 2014 में किया गया था। प्रायर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड इमोजी डे पीपल वुड सम टाइम पोस्ट July 17 टू, कुछ लोग जो है वो 11 तारीख को ही इसको इमोजी को का डे मना लेते हैं, लेकिन सम कुछ लोग उसको 17 जुलाई को करते हैं। अब तो ये समय आ गया है कि हम इसको सेलिब्रेट करें। कितने इमोजी अब तक बन चुके आपको पता होना चाहिए कि September 2021 तक 3635 इमोजी बन चुके हैं और आगे भी बनने का प्रोविज़न चलता जा रहा है। तो आप इन इमोजी को यूज़ हल्के में मत लीजिए, इनको यूज़ करके आप कुछ भी अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप चाय पी रहे हो, लोगों से कुछ टॉक नहीं करना चाह रहे हैं तो आप चाय पीता हुआ आदमी भेज दीजिए। अब यहाँ देखो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी म्यूज़िक कंपनी ही चली जा रही है बैंड बजाती हुई, जैसे शादियों में जाती है, और क्लैप कर रहे हैं, मतलब आप शो कर रहे हैं कि हमें जो भी देख रहे हैं वो पसंद आ रहा है। सेंटा क्लॉज क्रिसमस डे पर आप यूज़ कर सकते हैं, और ब्रावो कहना हो तो ये छोटे लड़के को जो छलरा लगा सकते हैं, लाइक करना हो तो ये इमोजी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इमोजी को यूज़ करके अपने एक्सप्रेशन को दूसरे लोगों को एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर आपको ये छोटा सा क्रिएशन मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वॉच करिए, लाइक करिए, कमेंट में क्वेश्चन अपने पूछिए और प्लीज़ शेयर करके प्रेस बेल दबाइएगा जिससे आपको आगे के वीडियो मिले, और टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिए, कम्युनिटी पर जाके पोल्स में आंसर करिए और क्वेश्चन करिए और शो करिए कि आपको किस तरह का लग रहा है मेरा वीडियो, आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूल जाते हैं। प्लीज़ आप लोग एक लाइक तो कर ही दीजिए और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए।
प्रेस बेल जरूर दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।